तो फ्रेंड्स मुझे बस नहीं गई है, बस समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि इसी बस पे सब मलयालम में ही लिखा हुआ था। तो मैंने एक भाई से पूछा तो थोड़ा बहुत उनको समझ में आया, तो मुझे बोले ठीक है मैं भी बस आएगी तो बताता हूँ। तो अभी बस मिल गई है मुझे और यहाँ की बस एक चीज़ मुझे अच्छा ये लगा यहाँ की कि पूरी समझ लीजिए कि एयर कंडीशन है। पूरी खुली बस है, इसमें ग्लास नहीं है, कांच नहीं है, सिर्फ पर्दा लगा हुआ है धूप के लिए। तो जिनको बस में वोमिट होती है या जिनको ऐसा गर्मी होती है ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा पर्दा लगा हुआ है। तो बस पूरी ओपन है तो अच्छा है, बहुत अच्छी हवा आ रही है और वोमिट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती आपको, तो आप इसे काफ़ी अच्छी तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। और अभी मैं कोची फोर्ट पे जा रहा हूँ, देखता हूँ हवा बहुत चल रही है इसलिए शायद वीडियो में भी हवा बहुत ज़्यादा है। कोची बीच पहुँचने वाले हैं, फोर्ट कोची लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर और है। और यहाँ के बस ड्राइवर तो मुंबई के भी बस ड्राइवर से ख़तरनाक, इतनी स्पीड बस चलाते हैं और स्पीड बस चलाने के साथ साथ बहुत स्टैंड के साथ एकदम कट मारना इनका, और दूसरी बस के पास से एकदम बगल से जाना, बहुत स्पीड है बस चलाने में। इस तरह की बस है, गर्मी का बिल्कुल आपको एहसास नहीं होगा और हर तरफ से आपको हवा आएगी। ये अच्छा लगा मुझे कि मुझे वोमिट होती है बस में अक्सर, मुझे वोमिट पता नहीं चलती, लगभग 25 मिनट हो गए मुझे बस में बैठे हुए, तो अच्छी बात है इस बस की। कोची फोर्ट पहुंच गए हैं और उसके बाद अभी हम जाएंगे बीच पे और बीच पे जाके घूमते हैं, उसके बाद यहाँ से फेरी चलती है जो कि मैं जहाँ से आया था लगभग मरीन ड्राइव के आसपास मेरा वो गेस्ट हाउस है, तो यहाँ से फेरी चलती है जिसका चार्ज सिर्फ 4 रुपये, ओनली 4 रुपीज़। तो यहाँ से मैं जाता हूँ पहले बीच पे और बीच पे जाने के बाद फिर मैं वहाँ देखता हूँ क्या है वहाँ का हिसाब किताब, उसके बाद यहाँ से चलेंगे हम फेरी से। यहाँ पे आ गए हैं, ये कोची बीच का एरिया है, तो ये बीच उस तरफ है, अभी मैं उस तरफ जाऊंगा। और ये यहाँ पे कुछ मछली पकड़ने के जाल हैं लेकिन ये कुछ अजीब सी टेक्निक से बने हैं, बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं और आगे की तरफ जाल है, इससे कैसे मछली पकड़ रहे हैं तो शायद इनको पूछने पे ही पता चलेगा। देखिए इस तरह का कुछ है, ये कुछ मैंने इसके बारे में नेट पे पढ़ा था, ये कुछ चाइनीज़ टेक्निक से मच्छी पकड़ना इसको कुछ कहते हैं, चाइनीज़ नेट, ज़्यादा तो इसके बारे में मुझे पता नहीं है, रुकना पड़ेगा। देखिए वहाँ पे जाल पहुँच रहा है, देखिए धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी धूप है
यहाँ पर शाम के टाइम अच्छा लगता होगा। अभी दोपहर के 2:47 हो रहे हैं। ये है बीच और इस बीच का शायद नाम है महात्मा गांधी बीच। मैप में कुछ ऐसे ही लोकेशन में शो कर रहा था महात्मा गांधी बीच, और ये यहाँ पे लास्ट एरिया जैसा बना है। कोची बीच पे तो मुझे आके कुछ उतना ठीक नहीं लगा, बस नॉर्मल से जैसी बीच होती है वही है। और यहाँ पे बहुत कचरा नारियल का है और कुछ ख़ास बीच नहीं है। तो अगर मेरे सजेशन में तो यही है कि अगर आप कोची आएँ तो इस बीच पे कुछ है नहीं। मुझे लगा कुछ फोर्ट वगैरह अच्छा है इसलिए मैं गया, लेकिन ये इसका नाम ही फोर्ट है, फोर्ट कोची। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अब मैं फेरी टर्मिनल के पास जा रहा हूँ जहाँ से फेरी मुझे मिलेगी और वो फेरी मुझे लेके जाएगी मरीन ड्राइव। देखते हैं कहाँ से कैसे मिलती है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग।